पिछले दिनों जो हड़ताल हुई, मैं समझता हूँ कि उस हड़ताल के हवाले से सारे मीडिया ने, सारे चैनल्स ने उन तमाम चीज़ों को, जो एज ए प्रोविंशियल मिनिस्टर मैं इन तमाम ताजर हजरात के साथ बैठकर तकरीबन 7-8 घंटे की एक एक दिन इनकी मीटिंग की है, आखिर पे उसके एलामिया भी जारी किया गया, उनके जो खदशात थे, तहफ़ुज़ात थे, उनको भी दूर करने की ठीक कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद उनके पीछे चंद शरपसंद सियासी अनासर थे जो तवज्जा हटाना चाह रहे थे असल इशू की तरफ से, अच्छा लिहाजा उन्होंने इनको इस्तेमाल किया और वो हड़ताल की तरफ ले गए माजरत के साथ, और उसमें PMLN की लीडरशिप जो है वो ओके पेश पेश रही। कई जगहों पर तो इनकी लीडरशिप ने माशाल्लाह खुद फ़ोन करके लोगों को उकसाया कि जनाब आप हमारे साथ जो हैं हमारा साथ दें और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ स्ट्राइक करें। उसकी वजह यह थी कि जब एक सेटलमेंट उनके साथ बैठकर हो गई है, वो ताजरों ने बड़े खुले दिल के साथ इन चीज़ों को भी तो फिर लिया कि क्यों ठीक स्ट्राइक कर रहे है, हैं? टैक्स नेट अच्छा में भी हमें आना चाहिए, लेकिन 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 जो जी जी मैं ये लेकिन साथ साथ ये हमें रेमेडी चाहिए, तो उस रेमेडी के लिए भी उनका पूरा साथ दिया गया। और बींग अ प्रोविंशियल मिनिस्टर कॉमर्स के, मैंने फेडरल लेवल के साथ भी मिलकर अपना वो एक लेटर हेड के ऊपर वो भी चीज़ इश्यू की, लेकिन इन्होंने अवाम में, स्पेशली नीचे जो रिटेलर आम दुकानदार है उसमें ये चीज़ पिलाई कि आपका कोई ग्राहक 50,000 की चीज़ लेने आएगा तो आप उससे आईडी कार्ड लेंगे, हालांकि ऐसी किसी किस्म की कोई हाँ बात नहीं थी। उससे वो घबरा गया और पीछे सियासी मोटिव भी थे, उस हवाले से भी चीज़ों को ख़राब किया गया। अब दूसरी तरफ आ जाइए, जो डिफर्ड ने, सर, ये आपको पचास आपको हजार के पता ही ऊपर है आईडी कार्ड वाली बात कि तो ये उस जो दिन कराची में ताजरों से मीटिंग में आपके अपने मुशीर खजाना हफीज शेख साहब की तरफ से आई है, ये तो उन्होंने खुद ताजरों को कहा है। नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ। देखें, आईडी कार्ड की जो शर्त है वो उनके लिए है जो मिल से बराह रास्त एक मिडल मैन, जिसे आप डीलर कहते हैं या बड़ा होल सेलर कहते हैं, उसके लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत है कि वो अपने आप को जी रजिस्टर करवाए, क्योंकि बल्क में माल ले रहा है, करोड़ का, 10 करोड़ का, 50 लाख का, 10 लाख का, ताकि वो टैक्स नेट में आए और उसके मुताबिक चीज़ों से पीछे चेन बनाई जाए। फिर आगे आ जाता है उसका सब डीलर, फिर ओके आगे आ जाता है रिटेलर, इन दोनों के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। यही यही एम्बिगुइटी थी जो हमने बैठ के दूर की।